Welcome you friend, I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss the question paper of Plant Pathology 2018 and 19 of IGKV Raipur Chhattisgarh. The course title is Disease of Field and Horticultural Crop and their Management 1. So, this is for Kharib crop. The question paper contain total eight questions out of this you have to solve five questions and question number one is compulsory each question carry 12 marks and duration of the exam is three hours the purpose of these online classes and this video is to get good marks so how you can get good marks you should have good handwriting Good writing skill, you should draw the well labeled diagram when needed, and also time management during exam. If you have 3 hours, then you should distribute this 3 hours to all 5 questions equally. Then only you can complete your answers within time in this video i am going to explain only about the questions means how how much you should write how to write for the detailed explanation please watch my previous videos so let's get started question number 1 a List out the disease of pulse and describe the wilt disease of pigeon pea. So these questions carry six marks. One marks you will get for listing out the disease of pulse and five marks for the describing the wilt disease of pigeon pea. So what you should write in this section. यर द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द विल्ट डिजीज ऑफ पीजें पी इट मीन्स यू कैन राइट कॉजल ऑर्गेनिजम सिम्टम मैनेजमेंट बट इफ यू हैव टाइम यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द डिजीज साइकिल ओके आंसर्स सो यहां पर आपको क्या करना है डिजीज का नाम लिखना है और उसके बाद उसका कॉजल ऑर्गेनिजम भी लिखना है लाइक फाइटोप्थोरा ब्लाइट कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा डाइजेस्लेरी। फार्मा स्पेशलिस्ट कैजेनी विल्ट डिजीज कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम उडम स्टेरिलिटी मोजेक इट इज कॉज्ड बाई अ वायरस पीजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस सर्कोसपोरा लिप स्पॉट दिस इज कॉज्ड बाई सर्कोस्पोरा कैनिसेंस येलो मोजेक दिस इज कॉज्ड बाई वायरस बुंग बीन, येलो मोजेक वायरस पाउडरी मिल्ड्यू दिस इज कॉज्ड बाई इिफी पॉलीगोनी, देन पिजनपी विल्ट दिस इज कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम ऑक्सीसपोरम उडम एक बात हमेशा याद रखना अगर आप एग्जाम में साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो हमेशा अंडरलाइन रहेगा तो अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज अगर है तो तीनों सेपरेट अंडरलाइन होंगे इटियोलॉजी अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा इटियोलॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं जैसे कि द माइसीलियम इज सेप्टेड ब्रांच एंड लाइट पिंक इन कलर एंड इट कंटेन द टू टाइप ऑफ कोनीडिया मैक्रोकोनीडिया एंड माइक्रोकोनीडिया बस इतना ही उसके बाद सिम्टम सिम्टम को आप डिटेल में लिखिए और हो सके तो डायग्राम भी बनाइए जैसे ये विल्ट डिजीज में क्या होता है उसके जो इंटरनल टिश्यू होते हैं जाइलम फ्लोएम उसमें ब्राउन कलर का डिसकलरेशन हो जाता है तो आप ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में आप लिख सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो सॉइल बॉर्न होता है मतलब जो इनिशियल इनोकुलम होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं अगर टाइम है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं लेकिन अगर टाइम नहीं है अगर आपकी राइटिंग जो स्पीड है वो कम है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं मैनेजमेंट अगर आप किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करना है आई से मतलब हमें किसी भी डिज़ीज़ के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस एडॉप्ट करना चाहिए इसमें क्या क्या आते हैं जैसे कल्चरल प्रैक्टिस मैकेनिकल फिज़िकल बायोलॉजिकल और लास्ट में केमिकल सो so, ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप ये अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन बी राइट अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ टूंगरो डिजीज ऑफ राइस दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरी सिक्स मार्क्स तो ये सिक्स मार्क्स कैसे मिलेंगे यहाँ पर वन यहाँ पर वन यहाँ टू और यहाँ टू मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर आप सही सही लिख रहे हो तो वन मार्क्स उसमें मिल जाएंगे टू मार्क्स सिम्टम के टू मार्क्स मैनेजमेंट के और एक इटियोलॉजी के राइस डिजीज़। सो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्मी क्या है दिस इज कॉज्ड बाई टू टाइप ऑफ वायरस राइस बेसिली फॉर्म वायरस एंड राइस टूंगरोल वायरस इसमें जो बेसिली फॉर्म होता है वो रॉड सेप का होता है ऐसे बेसिली फॉर्म और जो स्पेरिकल वायरस होता है वो सर्कुलर होता है इसका डायमेंशन ये सब लिखा हुआ है आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं जो बेसिली फॉर्म होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और जो स्फेरिकल होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो उसका जीनोम है वो फिर सिम्टम उसके बाद मैनेजमेंट वायरस के केस में जो केमिकल मैनेजमेंट होता है सो so, ये केमिकल उसके वायरस वेक्टर को किल करने के लिए होता है ना कि वायरस को ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर टू डिफ्रेंसीट बिटवीन अर्ली एंड लेट लिप स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज टिक्का डिजीज अर्ली टिक्का एंड लेट टिक्का अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो कोकोनट बर्ड रॉड एंड पपाया फोर्ट रॉड सो यहाँ पर तीन दिए हुए हैं एग्जाम में आपको केवल दो करने होंगे अब आते हैं इसके आंसर्स में फर्स्ट है अर्ली लिपी स्पॉट एंड लेट लिप स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट सो दिस इज नॉन एज टिक्का डिजीज अर्ली टिक्का एंड लेट टिक्का अगर डिफ्रेंसी का क्वेश्चन आता है किसी भी दो पैथोजन पे या डिजीज पे अंतर बताना है आपको तीन सेक्शन बनाना है और आंसर लिखना है कॉजल ऑर्गेनिज्म सो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है अर्ली टिक्का का वो है सर्कोस्पोरा राकीडियोला। इसका है सर्कोस्पोरा परसोनेटम परफेक्ट स्टेज माइकोस्फेरिला अराकिडिस एंड माइकोस्फेरिला बर्कीलेई साइज ऑफ स्पॉट वन टू टेन एम एम और ये है वन टू सिक्स एम एम कलर ऑफ स्पॉट ये कैसे होते हैं लाइट ब्राउन और ये कार्बन ब्लैक कलर के होते हैं अकरेंस ये थ्री टू फोर वीक में आते हैं और ये सिक्स टू एट वीक में इसीलिए इसे अर्ली लिप स्पॉट कहते हैं और इसे लेट लिप स्पॉट स्पोर प्रोडक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ द लिफ बट मोस्टली ऑन द अपर साइड और ये लोअर साइड में येलो हेलो इसमें प्रेजेंट होता है इसमें अपसेंट होता है या फिर लेट में अपीयर होता है सीवीअ मतलब जो डिजीज से लॉस होता है वो कैसा है लेस और इसमें मोर मतलब इसमें जो इकोनॉमिक लॉस है वो कम होता है और इससे इकोनॉमिक लॉस अधिक होता है फिर बी अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो कॉजल ऑर्गेनिजम अल्टरनेरिया सोलेनी और फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस माइसिलियम ऑफ द फंगस इसमें सेप्टेट होता है ये ऐसे अगर माइसिलियम है तो ये सेप्टेट होता है और एक एक सेप्टा में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें एसेप्टेट होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक हाइफी तो इसमें यह जो सेप्टसन होता है वो एबसेंट होता है कलर ऑफ द फंगस ये ब्लैक कलर का होता है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन और ये वाइट कलर का या ट्रांसपेरेंट होता है सिम्टम इसमें स्पॉट्स बनते हैं जो कि लिप्स में आते हैं और इसमें ब्लाइटिंग होती है किसकी लीफ की कॉन्सेंट्रिक रिंग इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग प्रेजेंट होता है और इसमें एबसेंट होता है मतलब ये एक जैसे स्पॉट हुआ उसके बाद एक रिंग बन जाता है फिर दूसरा ऐसे विजिबल होता है ये अर्ली ब्लाइट में और ये सब जो पैटर्न है वो लेट ब्लाइट में एबसेंट होता है फेवरेबल कंडीशन अर्ली ब्लाइट के लिए ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड और लेट ब्लाइट के लिए लेस देन ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी इसे लो चाहिए इसे हाई चाहिए केमिकल फॉर द मैनेजमेंट मैनकोजेब अगर अर्ली ब्लाइट आ गया तो हमें मैनेजमेंट के लिए क्या स्प्रे करना है मेनकोजेब और अगर लेट ब्लाइट आ गया तो हमें मेटाल एक्जिल स्प्रे करना है अगर हम मेटाल एक्जिल को अर्ली ब्लाइट में स्प्रे करेंगे तो वो बेकार है उससे मैनेजमेंट नहीं होगा वो केवल पैसे का वेस्टेज है वैसे ही अगर लेट ब्लाइट आया है और हम मैनकोजेब यूज़ करेंगे तो कोई काम नहीं है वो स्पोर्स इसमें कोनिडिया बनते हैं और इसमें स्पोरेंजिया और जूसपोर्स बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होता है और इसमें स्पोर्स होता है सी कोकोनट बर्ड रॉट पपाया फूड रॉट कॉजल ऑर्गेनिज्म इसमें फाइटोपथोरा पाल्मीवोरा और यह होता है पिथियम अफेनिडरमेटम्स कोनीडियो फोर ऑफ द फंगस सो यहां पर कोनीडियो फोर नहीं होगा ये होगा स्पोरेंजियोफोर सो स्पोरेंजियो फोर ऑफ so, द फंगस इजिली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द माइसीलियम ये लुक लाइक माइसिलियम मतलब जो फाइटोक्थोरा का स्पोरेंजियो फोर है वो नॉर्मल माइसीलियम से अलग दिखता है लेकिन पिथियम में जो स्पोरेंजियो फोर है और माइसिलियम है दोनों एक जैसा दिखाई देते हैं पेपिली इन द स्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होता है इसमें एब्सेंट होता है ये पेपिली क्या होता है जैसे एक ये स्पोरेंजिया है सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है अगर इधर से जुड़ा हुआ है सो टिप में एक स्ट्रक्चर होता है उसको पेपिली कहते हैं ये इसमें प्रेजेंट होता है और यहाँ एबसेंट होता है सिम्टम इसका जो सिम्टम है वो रोटिंग ऑफ द बड है बड में रोटिंग होती है और इसमें क्या होता है रोटिंग ऑफ द स्टेम ये स्टेम पोर्शन में रोटिंग होती है सेप ऑफ द स्पोरेंजिया ये ओवल होता है और ये स्पेरिकल होता है थोड़ा चपटा होता है क्लेमाडोस्पोर कोकोनट बड रॉड में प्रेजेंट होते हैं यहाँ एब्सेंट होते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेसिकल्स इसमें वेसिकल्स नहीं बनते इसमें बनते हैं ये वेसिकल्स क्या होते हैं जैसे यह स्पोरेंजिया है फिर इसमें जर्मिनेशन होगा और ऐसे वेसिकल बनेगा और फिर वेसिकल के अंदर जूस पोर बनते हैं किसमें पिथियम में लेकिन फाइटोपथोरा में ऐसा नहीं होता है रोल ऑफ द इंसेक्ट इन स्प्रेड इसमें प्रेजेंट होता है रोल है और इसमें कोई रोल नहीं होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड और ये ट्वेंटी एट टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्राइब द कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस डॉनी मिल्ड्यू ऑफ मेज एंड विल्ड ऑफ गुआवा। यहाँ पे जो मार्किंग है वो क्या है वन मार्क्स कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए टू पॉइंट फाइव सिम्टम के लिए और टू पॉइंट फाइव मैनेजमेंट के लिए अब आते हैं एंसर्स पे बी एल बी ऑफ राइस ये किससे होता है जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी एक्स ओ ओ जू सिम्टम इसमें टू टाइप के सिम्टम होते हैं क्रेसेक फेज और लिप ब्लाइट फेज तो ये आप जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसमें जाके अच्छे से समझ सकते हैं फिर मैनेजमेंट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज़ ये किससे होता है फोर टाइप के डाउनी मिल्ड्यू होते हैं लेकिन आप एक या दो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद है जैसे कि सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू पेरेनो इस्क्रोस्पोरा सॉर्गी क्रेजी टॉप डाउनी मिल्डियो स्क्लेरोपथोरा मैक्रोस्पोरा ब्राउन स्टाइप डाउनी मिल्ड्यू स्लोपथोरा रेजी सुगर डाउनी मिल्ड्यू पेरिनो सेकेरी सो so, इनके जो नाम हैं जैसे ये सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू शुगर कैन डाउनी मिल्ड्यू इसलिए इसका नाम पड़ा है कि जब ये पैथोजन फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्ट हुए हैं सोर्गम में लेकिन ये डिजीज मेज में भी करते हैं वैसा ही पेरिनोस्कोरा ये फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्ट हुआ है शुगर कैन में लेकिन ये मेज़ में भी डिजीज करता है सिम्टम और फिर मैनेजमेंट सो so, जो इसके सिम्टम होते हैं डाउनी मिल्ड्यू के वो टू टाइप के सिम्टम आएंगे पहला है लोकेलाइज्ड सिम्टम और दूसरा है सिस्टमिक सिम्टम जब जो पैथोजन है वो सिस्टमिक हो जाता है तो कैसा सिम्टम शो करता है क्रेजी टॉप ये एक सिस्टमिक सिम्टम है गुआवा विल्ट दिस इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीसपोरम स्पेशलिस्ट साइडी सिम्टम उसके बाद मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर फोर राइट द सिमटम्स एंड डिजीज साइकिल ऑफ फॉलोइंग डिजीज कॉफी रस्ट ब्लाइट ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेरिलिटी मोज़ेक ऑफ पीज़न पी सो so, टोटल है ट्वेल्व मार्क्स फोर मार्क्स फोर और फोर और इसमें टू मार्क्स सिम्टम के लिए और टू मार्क्स डिजीज साइकिल के लिए सो आंसर कॉफी रस्ट दिस इज कॉज्ड बाय हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स और इसके सिम्टम सिम्टम कैसे लिखना है आपको कि स्टार्ट में सिम्टम कैसे दिखता है उसके बाद जब वो मेचोर होता है तो कैसे होते जाता है जैसे ये डिजीज साइकिल किसी भी रश्ट के पांच स्पोर्स होते हैं कौन कौन से हैं पापा जी यू दिखाओ पी ए यू टी बी सो पिकनियोस्पोर एसियोस्पोर यूरोडोस्पोर टिलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर सो so, कॉफी रश्ट में ये दोनों एब्सेंट होते हैं बाकी ये डिजीज साइकिल आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं फाइटोप्थोरा ब्लाइट इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा कोलोकेसी ये सिम्टम है और डिजीज साइकिल स्टेलिटी मोजेक दिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस पिजन पी स्टेलिटी मोजेक वायरस सो so, एक चीज ध्यान रखना है अगर आप वायरस का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो जो पहला वाला लेटर है वही बस कैपिटल में होगा बाकी दूसरे जो वर्ड्स हैं उसके जो इनिशियल होंगे वो स्मॉल लेटर में ही होंगे और सब सेपरेट अंडरलाइन करना है इसके सिम्टम डिजीज साइकल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए डिफ्रेंसिएट बिटवीन स्मट ऑफ सॉर्गम जो सॉर्गम के चार स्मट हैं उसमें अंतर बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव बी लिस्ट आउट द डिजीज ऑफ टोमेटो एंड राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम एंड डिजीज साइकिल ऑफ डैम्पिंग ऑफ अ टोमेटो गम स्मट तो जब इसका आप अंतर लिखेंगे तो इसको अलग अलग करके लिखना है पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म ग्रैंड स्मर्ट स्पोरिसोरियम सोर्गी लूज स्मर्ट स्पोरिसोरियम क्रुवेंटा लॉन्ग स्मर्ट टोलिपोस्पोरियम एहरेनबर्गी और हेड स्मट स्पोरिसोरियम रिलियाना फिर इसके सिम्टम में सिम्टम को आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं ग्रेन स्मर्ट में क्या होगा जो इंडिविजुअल ग्रेन है वो अफेक्टेड होता है लूज स्मर्ट में क्या होगा जो इसका पेनिकल है वो लूजी अपेरियंस आता है उसमें लॉन्ग स्मर्ट में क्या होगा कुछ ग्रेन अफेक्टेड होंगे लेकिन जो उसका साइज है वो बढ़ जाता है नॉर्मल ग्रेन से साइज उसका बढ़ जाता है हेड स्मर्ट इसमें क्या होता है पूरे का पूरा जो पेनिकल है वो अफेक्टेड होता है ग्रेन स्मट इंडिविजुअल ग्रेन्स आर अफेक्टेड बट साइज इज नॉर्मल लूज में क्या होगा इंटायर हेड आर अफेक्टेड इट गिव्स द लूज अपीयरेंस और ईयर्स कम्स आउट अर्लियर देन द हेल्दी हेड्स लॉन्ग में क्या होगा रेंडम फ्यू ग्रेन आर अफेक्टेड और कैसा हो जाएगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोराई बनाता है ड स्मर्ट इंटायर हेड्स आर अफेक्टेड फिर आते हैं इसके डिजीज साइकल के अंतर में तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है साइट ऑफ इन्फेक्शन और साइट ऑफ सिम्टम एक्सप्रेशन सो जो हेड स्मट है और लूज स्मर्ट है एंड ग्रेन स्मट है इन तीनों में जो इन्फेक्शन होता है वो सिडलिंग में होता है जो स्टार्ट होगा इन्फेक्शन का वो कहाँ से होता है सिडलिंग से और जो फंगस का माइसीलियम है वो सिस्टमिकली मूव करता है प्लांट में और जो सिम्टम है वो कहां डेवलप होता है ग्रेन में लेकिन जो लॉन्ग स्मट है लॉन्ग स्मट इसमें इंफेक्शन कहां होता है ओवरी में और सिम्टम कहां डेवलप होता है ग्रेन में क्वेश्चन नंबर फाइव बी So, इसमें भी है सिक्स मार्क्स एक नंबर लिस्टिंग के लिए एक नंबर कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए दो नंबर सिम्टम के लिए और दो नंबर डिजीज साइकिल के लिए सो so, टोमेटो में कौन कौन से डिजीज आते हैं अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है लेट ब्लाइट फाइटोक्रा इन्फेस्टेंस से लीफ कल टोमेटो लीफ कल वायरस से होता है विल्ट डिजीज रालस्टोनिया सोलनी से होता है ये एक बैक्टीरिया है मोज़ेक टोमेटो मोजेक वायरस से होता है डेम्पिंग ऑफ पिथियम अफेडम से होता है और बक बैरोट फाइटोपथोरा निकोसियानी वराइटी पैरासिटिका से होता है ठीक है अब आते हैं डेम्पिंग ऑफ ये किससे होता है पिथियम अफेनी अब आते हैं इसके सिम्टम में इसमें टू टाइप के सिम्टम आते हैं प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस ये देखिए यहां पर से सिम्टम स्टार्ट होता है डिजीज साइकल जो पैथोजन है वो कहां सर्वाइव करता है क्रॉप डेब्रिस में किस फॉर्म में स्पोर्स और क्लेमाडो स्पोर में सेकेंडरी स्पेड किससे होता है विंड रेन या वाटर के थ्रू होता है बाकी सबको पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ए लिस्ट आउट द डिजीज ऑफ राइस एंड राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ द राइस ब्लास्ट सो कौन कौन से डिजीज़ है राइस के राइस ब्लास्ट पैरिकुलरिया ओराइजी ब्राउन स्पॉट हेलमिंथोसपोरियम ओराइजी बैक्टीरियल लिप ब्लाइट जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी सीड ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलनी फॉल्समट यूस्टिलजिनोइडिया वायरेंस खैरा डिजीज जिंक डेफिशियंसी टूंग्रो डिजीज राइस टूंग्रो स्पेरिकल वायरस और राइस बेसिली बेसिलीफॉर्म वायरस राइस ब्लास्ट किससे होता है ये? मैग्नापोर्थी ओराइजी से और इसका जो एनामोर्फ है वो है पैरिकुलेरिया ओराइजी जो मैग्नापोर्थी है ये है टीलोमोर्फ और पैरिकुलेरिया क्या है एनामोर्फ सिम्टम तीन टाइप के सिम्टम आते हैं लेप ब्लास्ट नोडल ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट आप पिछली वीडियो से सबको देख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन देन मैनेजमेंट ऑफ द राइस ब्लास्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बी लिस्ट आउट द डिजीज ऑफ बनाना एंड राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम एंड इटियोलॉजी ऑफ पनामा विल्ट ऑफ बनाना बनाना डिजीज फर्स्ट है पनामा विल्ट इससे होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पेशलिस म्यूजी बैक्टीरियल विल्ट रॉस्टोनिया सोलेनेसियरम रेस टू येलो का सर्कोसपोरा मूजी ब्लैक का सरकोसपोरा फिजियंसिस टॉप और ब्रैक्ट मोजेक ये दोनों वायरल डिजीज हैं बनाना बंची टॉप वायरस और बनाना ब्रैक्ट मोजेक वायरस पनामा विल्ट, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम मूजी इसके सिम्टम इटियोलॉजी जो फ्यूजेरियम का इटियोलॉजी है उसमें एक चीज हमेशा कॉमन रहता है वो है मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया तो इसमें टू टाइप के कोनिडिया बनते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फोमोपिस ब्लाइड खैरा डिजीज और बंची अप बनाना सो सब में चार मार्क्स हैं वन इसके लिए और थ्री इसके लिए सिम्टम्स तो इसमें आपको सिम्टम्स बहुत ही डिटेल में लिखना है तब जाके आपको तीन नंबर मिलेंगे फोमोप्सिस ब्लाइट दिस इज कॉज बाय फोमोप्सिस वैक्सेंस अब इसके सिम्टम ये ऐसा आप डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हैं खैरा डिजीज यह किससे होता है जिंग डेफिशिएंसी से होता है सिम्टम बंची टॉपअप बनाना दिस इज कॉस्ड बाई बनाना बंची टॉप वायरस इसके सिम्टम क्वेश्चन नंबर एट राइट द शॉर्ट नोट ऑन ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी वेब ब्लाइट ऑफ ग्रीन ग्राम कोकोनट बर्ड रॉट येलोबिन मोजेक ऑफ ओकरा अर्गट ऑफ बाजरा सो यहां पर जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट के लिए तो इसमें आपको जो याद आ रहा है अच्छे से उसको आप लिख सकते हैं स्टार्ट करते हैं ब्लिस्टर ब्लाइट आप, टी ये किससे होता है एग्जोबेसिडियम वैक्सीन से इसके सिम्टम इटियोलॉजी इटियोलॉजी में इतना लिख सकते हैं इसका माइसिलियम कैसा दिखता है और स्पोर्स कौन सा प्रोड्यूस होता है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा कि पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है सिम्टम कहाँ डेवलप होते हैं और जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो कैसे होता है फिर मैनेजमेंट वेबलाइट स इज कॉस्ड बाई राइजक्टोनिया सोलनी सिम्टम्स एथियोलॉजी राइजक्टोनिया सोलनी में किसी भी टाइप का स्पोर्स नहीं बनता है बस स्क्लेरोसिया ही बनता है ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये स्क्लेरोसिया है और इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो राइटेंगल right ब्रांचिंग होती है डिजीज साइकिल देन मैनेजमेंट बर्ड रॉट ये किससे होता है फाइटोपथोरा पाल्मी वोरा इसके सिम्टम इटियोलॉजी

डिजीज साइकिल अर्गटॉप बाजरा दिस इज कॉस्ड बाई क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस इसे और क्या बोलते हैं सोगरी डिजीज भी कहते हैं इसके सिम्टम इटियोलॉजी डिजीज साइकिल इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद